हेलो एवरीवन आज हम बात करेंगे हाउ टू इंश्योर दैट योर एडिक्शन ट्रीटमेंट इज़ सक्सेसफुल इस बात के लिए किस तरह से खुद को यकीन दिलाया जाए कि हमारा एडिक्शन का ट्रीटमेंट सक्सेसफुल है एक्चुअली जो फैमिलीज होती हैं उनको खुद को बहुत ज़्यादा मिसट्रस्ट होता है यानी कि उनको भी यकीन नहीं होता कि जो हम इलाज करा रहे हैं वो सक्सेसफुल होगा या सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा तो आपको बता दें कि सबसे पहले अपने इस मिसट्रस्ट को हमें एक फेथ के साथ ट्रस्ट करना पड़ेगा कि हम जो इलाज करा रहे हैं उसमें जो हम एफर्ट्स लगा रहे हैं वो ज़रूर कामयाब होंगे दूसरी बात हमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की आदत होती है इस कंट्रोलेबिलिटी को पहले हम अनकंट्रोलेबिलिटी में बदलेंगे कि सारी चीज़ों को जो हमें कंट्रोल करने की आदत है उसको हम बंद करेंगे और तीसरी बात हमें बहुत ज़्यादा इमपेश होती है हमें खुद में ही धैर्य नहीं होता है तो हम अपने अंदर पेशेंस लेके आएंगे क्यों क्योंकि हमें लगता है अब जल्दी जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए जो नुकसान हुए हैं वो जल्दी जल्दी पूरे हो जाए और सारी चीज़ें एकदम से ठीक हो जाए इस सबको समझने के लिए मैं आपको बता दूं जैसे कि एक मरीज टॉक्सिक शेम में होता है और उसमें से बाहर निकलता है वैसे ही कुछ चीजें हैं जो अगर आप देखेंगे अपने मरीज में तब्दील तब आते हुए तो आपको समझ आ जाएगी कि वो बेटर हो रहा है जिसमें सबसे पहला है शेयरिंग अगर आपका मरीज आपके साथ शेयरिंग करना शुरू हो गया है अपनी मन की बातें करना शुरू हो गया है उसने एक कनेक्शन बनाना शुरू कर दिया है जो कनेक्शन पहले नहीं था पहले वो अलग थलग रहता था लेकिन अब जो आप ट्रीटमेंट में हैं तो वो आपके साथ कनेक्टेड है आपसे बात कर रहा है इसका मतलब है आपका ट्रीटमेंट बिल्कुल right राइट पे है इसके अलावा है ऑनेस्टी ऑनेस्टी मीन्स कि वो कितना अच्छे तरीके से कितनी ईमानदारी से आपको सब चीजें बताता है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जब हम बात करते हैं क्रेविंग्स की तो अक्सर फैमिली मेंबर्स नब कर देते हैं अपने पेशेंट्स को अच्छा इतनी देर हो गई है छह महीने हो गए हैं साल हो गए तुझे अभी भी क्रेविंग होती है हमने इतना पैसा खर्च कर दिया तुझे अभी भी क्रेविंग होती है क्रेविंग किसी भी स्टेज पे आ सकती है क्योंकि ये हमारी सोच के साथ एसोसिएटेड है अगर आपका मरीज आपसे सच बता रहा है वो वो वाली चीज़ें कर रहा है जैसे स्लिपरी प्लेसेस पे नहीं जा रहा कोई मूड ऑल्टरिंग सब्सटेंस नहीं ले रहा और अपने आप को मैनेज कर रहा है जो भी सोच आ रही है आपके साथ शेयर कर रहा है ईमानदारी के साथ दैट मीन्स हम राइट ट्रैक पे हैं इसके अलावा क्या होता है शेयरिंग के बाद और ऑनेस्टी के बाद एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस अगर उसके अंदर आ गई है उसने ये मानना शुरू कर दिया है कि उसको कोई प्रॉब्लम है और एक्चुअली क्या होता है इन मरीजों को ना नहीं सुननी आती अगर आप किसी चीज़ के लिए ना कर रहे हैं और वो आपकी बात सुन रहा है इसका मतलब है वो रिकवरी में है अगर वो अपने डॉक्टर अपने थेरेपिस्ट अपने पेरेंट्स की बात सुन रहा है इसका मतलब है कि वो अब रिकवरी में है अगर उसको ये समझ आ गई है कि जब भी उसको बुलाया जाता है फॉलोअप्स के लिए और वो उस चीज़ के लिए ना नहीं करता और अपने ट्रीटमेंट को लगातार कंटिन्यू करता है अपनी दवाइयाँ सुपरवाइज लेता है हर चीज को वो एक्सेप्ट कर रहा है दैट मीन्स वो एक रिकवरी में है इसके अलावा एक्सेप्टेंस के बाद क्या आ जाता है मैनेजमेंट अगर वो अपनी क्रेविंग्स को अच्छे तरीके से मैनेज कर पा रहा है उसको जो भी हमने तरीके समझाए हैं बताए हैं उनको वो फॉलो करता है आपको भी बताता है जब उसको क्रेविंग्स होती है और कुछ आप भी मदद करते हैं उसकी क्रेविंग्स को मैनेज करने के लिए दैट मीन्स वो रिकवरी में है इसके अलावा हमारी जो इमोशंस होती हैं या हमारे जो करेक्टर डिफेक्ट्स होते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल गुस्सा एक हमारा करेक्टर डिफेक्ट है जेलसी फील होना एक हमारा करेक्टर डिफेक्ट है झूठ बोलना एक करेक्टर डिफेक्ट है इन चीज़ों को अगर वो मैनेज कर रहा है दैट मीन्स वो हमारे रिकवरी में है इन द एंड अगर वो ईगर है ईगर मीन्स उसके अंदर क्रियोसिटी है किसी नई चीज को जानने की अपनी रिकवरी को मैं कैसे मैनेज करूँ उसमें मैं क्या नई चीज एड करूँ सीखने की चाह है तो इसका मतलब है वो रिकवरी में है अगर ये सारी चीजें आपके मरीज में हैं और वो इन सारी चीज़ों को फॉलो कर रहा है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट प्रोग्राम दैट मीन्स वो रिकवरी में है फिर हमें डरने की ज़रूरत नहीं है प्रॉब्लम ये है कि फैमिलीज़ को बहुत डर होता है उनके अंदर होपलेसनेस होती है हेल्पलेसनेस होती है बेबसी होती है वो डर इतना होता है पुरानी अपनी प्रॉब्लम्स को लेके कि हमने इतने इलाज कराए हैं पता नहीं कामयाब होंगे कि नहीं होंगे अगर हम ये छोटी छोटी चीजें देखें मरीज में माइक्रो चेंजेस आती हैं छोटे छोटे बदलाव आते हैं जैसे कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देता है थोड़ा सा डिसिप्लिन में आ जाता है आपके साथ बैठना शुरू हो जाता है आपके साथ बात करनी शुरू हो जाता है आपने जब उसको ना कही किसी चीज के लिए तो एकदम से गुस्से में नहीं आता और उस चीज के लिए आपका साथ देता है दैट मीन्स ये जो माइक्रो चेंजेस आ रही है उसमें वो उसको एक रिकवरी की तरफ लेके जा रही है थैंक यू